1995 से साल 2000 तक भारतीय रेल स्विट्जरलैंड के स्विस कार एंड एलिवेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा डिजाइन किए गए यात्री रेल डिब्बों का उपयोग करता था। ICF चेन्नई में निर्मित स्क्लेरिन डिजाइन डिब्बों में गति क्षमता, भारी जंग, राइड कंफर्ट के मामले में सीमाएं थीं। इन सीमाओं को पार करने के लिए 1995 में भारतीय रेल ने जर्मनी के एल्स्टॉम LHB के साथ आपूर्ति और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों में प्रवेश किया। इस एग्रीमेंट के तहत वह शुरू में 24 रेल कारों की आपूर्ति करेगा, जिनमें 19 AC चेयर कार, 2 AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार और 3 जनरेटर कम ब्रेक वैन्स होंगे। भारतीय रेल के रेल कोच कारखानों द्वारा LHB कारों में कई प्रकार पेश किए गए हैं। इनमें AC फर्स्ट क्लास, 2 टायर स्लीपर, 3 टायर स्लीपर से लेके सेकंड क्लास स्लीपर कोच शामिल हैं। इसके अलावा डबल डेकर जैसे विशेष वेरिएंट भी पेश किए गए हैं। इन सभी में प्रमुख निस्संदेह सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 वेरिएंट होगा। LHB डिब्बों की फिएट SIG बोगी को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया था। तेजस रेक और ट्रेन 18 में लगाए गए डिजाइन के फिएट बोगी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर पहुंचने में सक्षम है। LHB कारों को भारतीय रेलवे द्वारा 2001 में कमीशन किया गया था। ICF की तुलना में LHB कारें यात्री आराम, सुरक्षा, गति, संरक्षण, रखरखाव और सौंदर्य में श्रेष्ठ हैं। ICF कारों के विपरीत LHB कारें एंटी टेलीस्कोपिक होती हैं, जिसका अर्थ है कि एक्सीडेंट के मामले में वे पलट नहीं जाती हैं। इससे यात्री सुरक्षा में काफी सुधार होता है। LHB कोच ICF कोच की तुलना में लगभग 2 मीटर लंबे होते हैं। यह चेयर कार में कुर्सियों की 2 अतिरिक्त पंक्तियों या स्लीपर डिब्बों में अतिरिक्त बे में तब्दील हो जाती है। LHB कारों का वजन ICF कोच से कम होता है। LHB कोच के AC 3 टायर कोच में 24 की तुलना में 72 यात्रियों को समायोजित कर सकता है और इस तरह से बेहतर फेयर टू टेयर रेशो दे सकता है। हालांकि ICF कारों के विपरीत LHB कारों में होटल पावर के लिए बिजली उत्पादन की क्षमता नहीं है। फिएट बोगी डिजाइन अल्टरनेटर और सेल्फ जनरेटिंग उपकरण के लिए जगह की अनुमति नहीं देता है, इसलिए LHB रेक को डीजल पर चलने वाली जनरेटर कार के साथ प्रदान किया गया, जिन्हें एंड ऑन जनरेटर कार कहा जाता है। एक 24 कार LHB रेक के लिए 2 EOG कारों की आवश्यकता होगी, प्रत्येक छोर पर 1। EOG कारों में औसतन 3000 लीटर डीजल की खपत होती है और वह 100 डेसिबल ध्वनि पोल्यूशन पैदा करती है। किराया अदा करने वाले यात्रियों की जगह लेने वाली इन प्रदूषणकारी कारों को धीरे धीरे हेड ऑन जनरेशन तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जहां लोकोमोटिव द्वारा होटल पावर प्रदान की जाती है। नई HOG प्रणाली के तहत 2 EOG कारों के बजाय आपात स्थिति में उपयोग के लिए 1 स्टैंड बाय साइलेंट जनरेटर कार होगी। दूसरी कार के स्थान पर LSLRD यानी LHB सेकेंड लगेज, गार्ड और दिव्यांग कंपार्टमेंट होंगे। LSLRD कार सामान, गार्ड रूम और अतिरिक्त यात्रियों के लिए जगह प्रदान करेगी। वर्तमान में EOG के साथ होटल की बिजली की लागत 36 रुपये प्रति यूनिट है और HOG के साथ यह 6 रुपये प्रति यूनिट पर उपलब्ध होगा। 19321 इंदौर पटना एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद भारतीय रेलवे ने ICF कोचों को चरणबद्ध करने का निर्णय लिया। 2018 में ICF कारों का निर्माण बंद कर दिया गया। भारतीय रेल के तहत आने वाली सभी रेल कोच कारखाने अब सिर्फ LHP कारों का निर्माण करेंगे। क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये और इस चैनल के अन्य वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।